छुपरोगे तो आसानी से सीआईडी में घुस सकता है। सीआईडी वालों को पता भी नहीं चलेगा कौन असली है कौन नकली। 15 अगस्त सीआईडी खत्म। तो कोई कोई मुझे मारना चाहता था। किसी के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके दया का चेहरा लगाया गया है और वो अब घुस गया है सीआईडी में। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा मैं। गोली तो तू वैसे भी चलाने वाला था। हम सब जानते हैं रॉकी, सच सच बता दया को कहां छुपा के रखा है तुमने? रॉकी मैं नहीं, ये आदमी है। अभिजीत दया, आपने उन्हें यहां लाने में बहुत देर कर दी। इतना खून बह चुका है अब वो बच नहीं सकते। हाँ? क्या हो रहा है? डॉक्टर को बुला, जल्दी जल्दी। आंखें बंद मत करना, आंखें खुली रखो। सर कुछ नहीं होगा तुम्हें। दया, दया। I'm sorry. रुक! बचाओ! रुक जाओ! पार्टिकल! रुक! बचाओ! बचाओ! रुक जाओ! बचाओ! ओके, अरे इधर क्या हुआ इन दोनों को? लगता है सर दोनों पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गए। कट बोलने के बाद भी एक्टिंग कर रहे हैं। हंस क्यों रहा है? जा जाके देख जल्दी। ओके सर, देख के आओ। तो चक्कर क्या है? अरे सर, हाँ डायरेक्टर ने किसी का फेस रख दिया यहाँ पर। उसी को देख के दोनों डर गए। अनिल, अनिल सर इधर आ जल्दी। क्या हुआ सर? दिल में क्या रखा तूने? अरे डायरेक्टर तू है या मैं हूँ? सर मैंने कुछ नहीं रखा, मुझे पता नहीं कहाँ से आया। तुझे कितनी मार का कि अपना दिमाग मत चला। यहाँ मुझे सीन कंप्लीट करना है और तुम हेलो सीआईडी।
एक्सक्यूज मी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है लाश देने से पहले। लाश नहीं है ये डॉक्टर, लाश नहीं है ये डॉक्टर। लाश को लाश नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? नहीं, ये लाश नहीं है, ये दया है। लाशें वो होती है जो हम लोग देखते हैं, दिन रात देखते हैं, कटी हुई, खून से सनी हुई, ये लाश नहीं है डॉक्टर, ये लाश नहीं है, ये दया है डॉक्टर। ये लाश नहीं है डॉक्टर, ये दया है। सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है सर, दया सर का अंगूठा हिल रहा है। दया मैं अभी जान बाकी। डॉक्टर, एप्लीक्रेमेंट 50 सीसी तैयार करो फौरन। नर्स, जल्दी करो, हरी अप। यस डॉक्टर। हरी अप। दया, दया आगे खोलो, दया, दया आगे खोलो, दया। साल के कैरियर में मैंने पहली बार देखा है कोई आदमी मर के फिर से जिंदा हो जाए। ये तो आप लोगों की दुआओं का असर है। एसीपी प्रद्युमन, लाश मिली है कहां पर? ओ अच्छा, ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? कुछ ने एक लड़की की लाश मिली है, फोरेंसिक लैब में पहुंचा दी गई है, जाना तो पड़ेगा ही। सर, मगर दया को इस हालत में छोड़ के क्या करें? सर, मैं यहां पे रुकता हूं सर, आप लोग जाइए। अगर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मैं आपको फोन करूंगा सर। ठीक है फ्रेटेक्स, वैसे भी भगवान इसकी दुआएं जल्दी सुन लेता है। अकेले नहीं छोड़ना दया को। नहीं सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ यार? काम में मन लगाने की बहुत कोशिश करता लेकिन हर बार मन भटक कर दया के बारे में ही सोचने लगता है। क्या करें? हमारा भी वही हाल है सर, मगर काम तो काम ही है और सीआईडी के काम में खुशियों और गमों के लिए कोई जगह नहीं है। इस लड़की की उम्र 24 से 27 साल के बीच में और इसका कद 5 फुट 7 इंच और चेहरा भी बहुत बुरी तरह से जला है। सर, लगता है किसी ने इस लड़की के चेहरे को जानबूझकर इतनी बुरी तरह खराब किया है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। तो ये लाश कितने दिनों से पड़ी थी जंगल में? लड़की की मौत सिर्फ 2 दिन पहले हुई है। सिर्फ 2 दिन पहले? बस इस लड़की का गला घोटा गया। आइए सर।
ये देखो बस, इतनी बुरी तरह से घोटा गया गला कि गर्दन की हड्डियां तक टूट गई। और एक बात सर, ये देखिए सर, इसके सिर पे ये चोट का निशान, या तो इसका सिर कहीं टकराया है दीवार वगैरह से, या फिर किसी ने इसे हैमर मारा है हथौड़े से। जी सर, जो भी, फिर भी हमें पता लगाना चाहिए कि ये लड़की है कौन। ओके, ठीक है, चलो। ओ कैसा है दया सर? पहले से हालत अच्छी है मगर होश में नहीं आया है। खैर, क्या पता चला? सर, पिछले महीने जितनी लड़कियां गायब हुई उनकी रिपोर्ट लेके आया हूं सर। इनमें से तीन लड़कियां ऐसी हैं जिनका डील डॉल इस लाश के साथ मैच करता है। अच्छा, कौन है? सही है प्रिया, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 6 इंच। 20 दिन पहले घर से संगीत के क्लासेस के लिए बाहर गई थी, तब से वापस नहीं आई। रजनी, ये रजनी है सर। उम्र 25 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 10 दिन पहले गायब हुई है। 10 दिन पहले? इस रजनी के घर में और भी कोई है? पति है सर, 2 साल का बच्चा भी है। पति का कहना है कि इसके गायब होने के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो ऑफिस में था। सर, तीसरी और आखिरी लड़की सिमरन, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 7 इंच, 2 दिन से गायब है। इस सिमरन के केस में एक अजीब बात है सर, ये जहाँ पे रहती है उसके वॉचमैन ने बताया कि रात 2:30 बजे ये बिल्डिंग के अंदर घुसी तो, मगर अपने फ्लैट में नहीं पहुंची। बड़ी अजीब बात है, बिल्डिंग के अंदर घुसी मगर फ्लैट में नहीं पहुंची। यस। तभीत इन तीनों लड़कियों के घर वालों से मिलना चाहिए। जब से बेटी गायब हुई है हम लोग तो बिल्कुल मर से गए हैं। ये विश्वनाथ जी, प्रिया गायब कैसे हो? क्या बताऊं सर, उस दिन वो गाने की क्लास के लिए घर से बाहर निकली और फिर वापिस आई नहीं। प्रिया जाती कहाँ थी गाना सीखने के लिए? सर, म्यूजिक क्लासेस में। कहाँ पर है ये क्लासेस? चाइना क्रिक के पास। क्या बात है सर, आप लोग चाइना क्रिक का नाम लेते चौंक क्यों गए? एक्चुअली चाइना क्रिक के पास से हमें एक लाश मिली है। क्या लाश? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो लाश प्रिया की नहीं हो सकती। शकुंतला, संभालो अपने आप। अगर आपके पास प्रिया की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वो आप हमें दे दीजिए। विश्वनाथ जी, कोई और कोई खास निशानी प्रिया की? ऐसे तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रिया आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाती थी। कॉन्टैक्ट लेंस? हाँ अभिजीत, बोलो। What? लड़की की आंख में लेंस? यार अभिजीत, तुम तो खुद देख चुके हो लड़की का चेहरा बुरी तरह से जल गया है। बॉस, अगर उसने लेंस पहना भी होगा तो अब तक तो पूरी तरह से राख हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता। जी ठीक कह रहा था। तारिका, इसे धो लो ज्यादा जल्दी से। जी सर।
हाँ अभिजीत, बस लड़की की आंख में से एक लेंस मिला तो है, हो सकता है ये लाश प्रिया की। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। भाई मैं अभी आपको बुला के लाता। सर डॉक्टर सालुंके को उस लड़की की आंख से लेंस मिला है, तो फिर शायद वो लड़की प्रिया ही होगी। अगर रजनी और सिमरन भी लेंस लगाती हो तो फिर सर ये हो सकता है ना। यस सर। तभी पक्की तरीके से नहीं कह सकते, ये लाश प्रिया की है। जी कहिए क्या काम था। रजनी यही रहती है? रहती थी मगर अब नहीं रहती। हमें पता चला है कि वो गायब हो गई है। जी हाँ। कमाल है, आपके चेहरे पे कोई परेशानी कोई दुख नहीं दिख रहा है अपनी पत्नी के गायब होने का। कब तक रोता रहूं सर, रजनी भाग गई है किसी और आदमी के साथ। रजनी किसी और के साथ चली गई? जी। I see. किसके साथ, किसके साथ भागी है कुछ बता सकते हैं? सर ये तो नहीं पता, लेकिन उसी के ऑफिस में काम करता था। क्या हुआ? सिमरन बिटिया गुजर गई ना, उसी का अंतिम संस्कार कर लौटे। मौत कैसे हुई सिमरन की? पता नहीं, कुछ दिन से घर से गायब थी बेचारी। कल पुलिस को उसकी लाश मिली, चेहरा उसका बुरी तरह से खराब हो चुका था। तो फिर आपको पता कैसे चला कि वो लाश सिमरन की है? उसके पर्स में उसका लाइसेंस था, उससे ही पता चला। लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हम सिमरन के माता पिता से मिल सकते हैं? इस समय तो उन दोनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। इकलौती बेटियां थी उनकी, इस तरह इस उम्र में उसका यूं चले जाना, आज आप उनसे ना मिले तो बेहतर है सर। हम समझ सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे। प्रिया सिमरन रजनी, ये लाश इन तीनों में से किसकी हो सकती है? सर एक मिनट। सर लड़की के कान में 5 छेद है इयररिंग्स के, यानी कि ये 5 इयररिंग्स पहनती थी अपने कान में। और कुछ मिला सर उनकी? हाँ ये देखो, ये इसके हाथ पर कुछ छपा हुआ है। मुझे लगता है ये लड़की जरूर ब्रेसलेट पहनती होगी। एक मिनट ये देखो, ये कुछ उल्टा लिखा हुआ है इसके हाथ पे, NEMERGENY। क्या हो सकता है ये सारों के? किसी का नाम तो नहीं हो सकता सर। मुझे लगता है ये कोई मेडिकल बैंड है, उसमें लिखा रहता है ना इन एन एमरजेंसी। हो सकता है राइट, इन एन इमरजेंसी। अभिजीत यू आर राइट, ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट मैंने उस लड़की के हाथ में देखा था। किसके सर? सिमरन के। अभिजीत मुझे अच्छी तरह से याद है, ये ऐसा ही मेडिकल ब्रेसलेट उस लड़की के हाथ में था। और तो अभिजीत, ये सिमरन अपने कानों में 5 इयररिंग्स पहनती थी। उस फोटो में सिमरन अपने बाल ऐसे पीछे कर रही है, तब ये 5 इयररिंग्स दिखाई पड़ी और उसके हाथ में वो मेडिकल ब्रेसलेट। क्या कह रहे हैं? देखिए हम लोग सच कह रहे हैं, जिस लड़की का क्रियाक्रम आप कर कर आए हैं वो आपकी बेटी सिमरन नहीं है। तो फिर सिमरन क्या वो जिंदा है? मेरी बेटी जिंदा है? जी नहीं, वो जिंदा नहीं है। एक्चुअली उसकी लाश हमारे पास है। नहीं, नहीं, नहीं।
आप इनको अंदर लेके जाओ, संभालो संभालो जाओ। आप ये बताइए कि सिमरन से किसी की कोई दुश्मनी, किसी पे शक है आप? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था जो उसकी जान लेना चाहे। सिमरन के गायब होने का आपको पता कब चला? उस रात उसका फोन आया था, ऑफिस से फोन किया था उसने, और उसने कहा कि रात के 2:30 बजे तक वो घर पहुंचेगी। अचानक मेरी 4 बजे नींद खुली तो मैंने उसे कमरे में जाकर देखा तो सिमरन वहां नहीं थी। मैंने उसे कई बार फोन भी किया लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि सिमरन रात के 2:30 बजे घर आई थी। मैंने चारों तरफ उसको ढूंढा सिमरन का कहीं कोई पता ही नहीं था, कोई पता नहीं। सिमरन काम कहां करती थी? कॉन्टेक्ट कॉल सेंटर, और कंपनी की गाड़ी भी उसे छोड़ने घर आती थी। रात 11 बजे एक कार आई, उसके बाद से कोई गाड़ी आई गई नहीं। अभिजीत, इसका मतलब है सिमरन गायब हुई है इसी बिल्डिंग में से। ये लिफ्ट बंद है? ये लिफ्ट खराब है सर, पिछले 7 दिनों से बंद पड़ी हुई है। पिछले 7 दिनों से लिफ्ट बंद है? इसका मतलब है जिस दिन सिमरन गायब हुई उस दिन भी ये लिफ्ट बंद थी? हाँ सर। ओ, तो सिमरन तेरे सीढ़ियों से ऊपर गई होगी? हाँ सर। तभी कुछ हुआ है सर? सेकंड फ्लोर पे तो उसका घर है और वहां तक तो वो पहुंची नहीं। फर्स्ट फ्लोर, तो इसका मतलब है अभिजीत जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है, यहीं पर। एक काम करो, नीचे से लेके यहां तक हर कोने में स्प्रे मार के देखो, देखो कहीं खून की बूंदों के निशान मिलते हैं क्या, और दीवारों पर भी मारो, शायद पता चल जाएगा कहां पर उसका सिर टकराया था। क्या सर? क्या कौन देता? क्या कोई नहीं देता सर, 2 महीने पहले अशोक जी ने खरीदा है ये फ्लैट, लेकिन वो कभी कभी आते हैं इस फ्लैट। अच्छा, नहीं तो बंद रहता है? हाँ सर। हाँ ये देखिए, तो इसका मतलब है अभिजीत यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। एक काम करो, इस दरवाजे पे भी मार के देखो। यहाँ पे भी खून के निशान है। वॉचमैन, इसकी डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? नहीं सर। नहीं है? लमजीत दया नहीं है तो दरवाजा तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। एविडेंस बैंक में डाल दो और यहां जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ, एक एक फिंगरप्रिंट को उठाओ और खून के सैंपल्स भी ले लो, खरोच खरोच के खून के सैंपल्स। अशोक जी उस रात फ्लैट नहीं थे? पता नहीं सर। तो ये अशोक अकेले आता था या किसी के साथ में आता था? एक लड़की आया करती थी उनके साथ।
ये लड़की को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? इतने गौर से देखा नहीं उसे आज तक मैंने कभी। अच्छा अशोक का पता ठिकाने जानते हो तुम? आप रेडी? बताओ क्या दया की सांसें फिर से रुक गई? भगवान क्या हो रहा है? ठीक है हम लोग आते हैं अभी। फ्रेडिक्स क्या हुआ? कैसा है दया? अरे रो क्यों रहे हो? बता ना। सर मैं पल पल दया सर के साथ ही बैठा हुआ था सर, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे। ये क्या है? है? तुम ठीक हो यार? मुझे पहले से मालूम था कि हमारे चट्टान जैसे दया को कुछ नहीं होगा। मेरी एक्टिंग देख के दोनों सर हिल गए। फ्रेडरिक्स तुम्हें तो मैं सर सर प्लीज सर इसे कुछ मत कहिए सर। अब ये आप लोगों को डराने का आइडिया मेरा ही था सर। इस बेचारे ने तो दिन रात एक कर लिया सर मेरे लिए। सुबह शाम बस भगवान का ही नाम ले जा रहा था। मैंने कहा सर इसे कि बस अब कुछ और कर ले। इस पहलवान जैसे शरीर में बहुत प्यार भरा है। अरे सर किस भगवान को परेशान नहीं किया होगा इसने मेरे लिए। शिव जी से लेकर गणेश कृष्ण हनुमान राम अल्लाह गुरु नानक जीसस सर सबके पैर पर डाले इसने मेरे लिए। अब क्या बताऊं सर, मेरी वाइफ ने तो खाना ही छोड़ दिया था सर। दक्षा हेलो। हाँ दक्षा अशोक के असली घर का पता चल गया। गुड जॉब गुड जॉब। ठीक है हम लोग आते हैं। चलिए सर। कहाँ? मैं भी चलता हूँ सर। दया एक महीने तक यहाँ पर लेटे रहो, आराम करो, and that's an order. ठीक है सर। मैं टीवी देखता हूँ, आप लोग जाइए अशोक के घर। फ्रेडरिक्स इसे हिलने मत देना समझे? यस सर। टेक केयर। सीआईडी? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अशोक का कुछ पता चला क्या? हाँ? मैं उनकी पत्नी तानिया। ये अशोक घर में नहीं है क्या? नहीं क्या करूं, फिकर के मारे तो मैं मर ही जा रही हूँ। 3 दिन से वो घर ही नहीं आए। मुझे लगा शायद आप लोग कुछ खबर लाए होंगे। खबर तो लाए मगर जरा बुरी खबर। बुरी खबर? अशोक ठीक तो है ना? जी हाँ अशोक ठीक है, मगर अशोक खून करके भागा है। अशोक ने खून किया है? ये आप लोग क्या कह रहे हो? देखिए ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करिए समझी। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे घर में छुपा के रखा हुआ? साचा यस सर। घर को अच्छी तरह से चेक करो। क्या आखिरी बार कब देखा था तुमने अशोक को? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? अच्छा। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे जब उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑफिस के किसी जरूरी काम से बैंगलोर जाने वाले हैं। तो रात में ही चले गए बैंगलोर? नहीं दूसरे दिन। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरे दिन बैंगलोर जाने वाले हैं, तभी एक फोन आया। किसका फोन था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फोन आते ही वो चले गए और जाते जाते कहने लगे कि घर देर से आऊंगा। तो तब से अशोक घर नहीं लौटे। सर अशोक घर में नहीं है। ओ तानिया क्या तुम्हें मालूम है अशोक का एक और भी घर है योगी नगर? क्या और एक घर है? जी हाँ एक घर और है। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मामला खून का है, इसलिए क्या आपको मालूम है अशोक की जिंदगी में एक लड़की और है? कोई और लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं?
नहीं, मुझे लगा कि शायद आपको मालूम हो। देखिए, अशोक बहुत ही शरीफ आदमी है और उनके बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं आप लोग। शरीफ लोगों के घरों में खून की बूंदे नहीं मिलती, लाशें नहीं मिलती, समझी? अशोक के ऑफिस का पता चाहिए। हाँ, ये बात सच है। अशोक 3 दिन पहले ऑफिस के काम से बैंगलोर जाने वाला था, पर वो बीच में गायब हो गया। ऑफिस आया ही नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसे देखा है कभी आपने अशोक के साथ? नहीं। ठीक है, हम लोग जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। श्योर। सर, मुझे लगता है कि खूनी अशोक ही है। सर सर, क्या है? एक बात कहनी थी आपसे। बोल। अशोक सर का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। अच्छा, किसके साथ? सब, मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फिक्र मत कर, सिर्फ नाम बता लड़की का, फिर देखना कैसे प्रमोशन करता हूं मैं तेरा। रजनी मैडम, मैंने अशोक सर और रजनी मैडम को कई बार एक साथ घूमते देखा है। एक मिनट, कहीं वही लड़की तो नहीं है? अरे भाई प्रद्युमन, आओ आओ। अरे यार, क्या बात है? खाली आता है, वो मिठाई का डब्बा नहीं लाए साथ में? मिठाई का डब्बा किस लिए? आपने खूनी का पता लगा लिया है क्या? अब यार देखो, ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है भाई। मिठाई तो हम दया के ठीक हो जाने की मांग रहे हैं यार। अरे मिठाई क्या पार्टी देंगे तुम्हें, पार्टी? अच्छा पहले ये बताओ, ये तुम्हारी उंगलियों के निशान क्या बताते हैं? बस 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले मुझे उस अशोक के कमरे में। 3, ये, इसमें से ये वाला निशान इस लड़की का है, सिमरन का। बाकी ये 2। अरे, हमारे रिकॉर्ड में से भी कुछ नहीं मिला आपको? नहीं बस। सर, वो जो लड़की का बाल मिला है अशोक के कमरे में से, सिमरन का होगा? नहीं बस, ये बाल सिमरन का नहीं। अरे, इसका मतलब वहां पे कोई और लड़की भी थी उस वक्त? कोई अनजान लड़की? मतलब सर, उस लड़की ने और अशोक ने मिलके मारा है इस सिमरन को। मगर इसे क्यों मारा अभिजीत? इस सिमरन को क्यों मारा? शायद सिमरन ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इसे नहीं देखना चाहिए था। सांखे, वो जो खून की बूंदें मिली थी कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, उसका? सर, दरवाजे के बाहर वाला खून सिमरन का है और कमरे के अंदर वाला खून किसका है? वो रजनी का है। रजनी? ये वही रजनी है ना जो अपने पति का साथ छोड़कर भाग गई किसी और के साथ? सर, उस लड़की का पता चल गया है जिसका अशोक के साथ प्यार का चक्कर था। अच्छा, कौन है वो? रजनी। रजनी? Yes, sir. तो अभिजीत, इसका मतलब है उस रात अशोक के साथ रजनी थी और जब अशोक ने रजनी का खून किया तभी सिमरन सीढ़ियां चढ़ रही थी। उस वक्त सिमरन ने खून होते हुए देख लिया और इसीलिए सिमरन का खून हो गया। सर, जो लाश सिमरन के घर वालों ने जला दी सिमरन समझ के, कहीं वो लाश रजनी की तो नहीं? वो रजनी ही थी। दया रिपोर्टिंग सर। यार दया, कैसे हो अभी तुम? है बिल्कुल अच्छा खासा हूं यार, तुम लोगों के सामने खड़ा हूं। अरे दया, लेकिन थोड़े दिन आराम तो कर लेते। प्लीज सर, 5 मिनट में और रहता वहां पर तो फिर से मैं कुमा में चला जाता सर। सर, मेरी जगह यहाँ है सर, इस CID ब्यूरो में सर। ओके, थैंक यू सो मच।
अशोक के मोबाइल का पता चल गया है। अच्छा, कहाँ पे है? कलंदी गार्डन के पास में। कलंदी? यस सर। चलो। आते ही काम पे लग गया। चलो। समझ में आ भी रहा है या नहीं? आ रहा है सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। आप जितना समझते हो उतना बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं। तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? एक मिनट सर, ये देखिए अशोक का मोबाइल यही आसपास ही कहीं है सर। देखिए मोबाइल आसपास है, ये मोबाइल हिल रहा है या एक ही जगह ही चिपका हुआ है? ये देखिए ना सर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हिल रहा है, ये देखिए। गुड फ्रेडिक्स, तुम यहीं पर बैठे रहना, ट्रैक करते रहना, चिपके रहो, समझे? हम दोनों देखते हैं। यस सर। अशोक के मोबाइल पे फोन करके देखता हूँ सर, अगर आसपास है तो बेल तो बजेगी। रिंग जा रहा सर। रिंग क्या? हाँ, किस तरफ है? आवाज इस तरफ से आ रही है सर। हेलो, हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? हाँ सर, तुम्हें सुसु लगी है। एक काम करो, तुम वहीं पे खड़े रहो, हिलना नहीं मत। अच्छा, मोबाइल का क्या हुआ? सर मोबाइल एक ही जगह पे रुका हुआ है सर, इसलिए मैंने सोचा कि कर ही लेता हूँ। उसको बोलो पैंट में ही कर ले, मगर लैपटॉप के बाजू से हिलना नहीं। सुना सर ने क्या बोला? हाँ ठीक है सर। ये मोबाइल एक ही जगह पे सर हिल नहीं रहा है। अगर ये मोबाइल एक ही जगह पे है तो इसका मतलब है सर, सर। ये देखिए सर, मेरे मिस कॉल्स, फोन तो अशोक का ही है सर। हाँ, ये आदमी कोई चर्ची लगता है। क्यों बे, ये अशोक का है? कौन है अशोक का? अशोक का है। मेरा नाम तो सुभाष है साहब। तो फिर अशोक का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब मोबाइल मुझे पड़ा हुआ मिला सर। कहाँ पे? चिंचोली बंदर। चिंचोली बंदर? कब मिला था ये मोबाइल? तीन दिन पहले। तीन दिन पहले चिंचोली बंदर? चलो हमारे साथ दिखाओ हमें। चलो आज, चलो बाप बताओ कहाँ पे मिला था मोबाइल? यहीं पर शायद मिला था। शायद भाई छोड़ो, ठीक से याद करके बताओ, बताओ कहाँ पे मिला था? यहीं मिला था सर। यहाँ पर? हाँ।
सर, एक मिनट सर, चलो देखिए सर, पत्ते पे खून लगा हुआ है, सूखा हुआ है सर। हाँ फ्रेडरिक्स सर, ये देखिए खून तो यहां पर भी है सर। चलो आगे देखते। एक मिनट, एक मिनट, ये तो घसीटने का निशान है। आदा, एक मिनट सर, एक और लाश। उसकी शक्ल तो पहचान ही नहीं है। ऐसा लगता है किसी ने चाकू मारा है इसके साथी पे। ये देखिए लाइसेंस तो अशोक का। हाँ सर, किसी ने अशोक को ही मार दिया। कहीं तूने तो नहीं मार दिया सर? हाँ, लूटने के चक्कर में? नहीं साहब, मैं तो इसे जानता भी नहीं साहब। जानने की क्या जरूरत है? चल उसके नशे में मार दिया होगा इसे। क्यों नहीं साहब, तो मैं नहीं मारा साहब। हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि ये सारे खून अशोक कर रहा है, पर या तो ये खुद सोया पड़ा है। सर, आप रेडी? घड़ी मिली है सर। घड़ी? कहीं घड़ी अशोक की तो नहीं? बंद ही पड़ी है सर। ठीक 11 बजे बंद पड़ी है, तो तारीख भी सर 3 दिन पुराना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये घड़ी उस वक्त बंद पड़ी हो जब इसका खून हुआ? 3 दिन पहले 11 बजे तो उसी दरमियान सरजनी और सिमरन का खून हुआ था। मतलब सर, पूरी लड़कियों का खून अशोक ने नहीं, किसी और ने किया? किसी और ने, मगर किसने किसने किया ये खून? अशोक की कार का पता चल गया है। गुड। यहाँ भी है सर। कहाँ पर? ये देखिए सर, एक तो ये और ये मैट पे। तो शायद दो दो लाश लेके आया था खूनी। मतलब सर, ये कार उस रात अशोक के घर में थी, फिर भी किसी ने देखा कैसे? नहीं, दो दो लाशें रखना कार में मजाक बात नहीं। एक मिनट में सब कुछ देखना। चलिए सर, लगता है पता चल गया कि उस रात इस कार का ड्राइवर कौन था। Thank you.
कैसे? तानिया जी, हमको देखकर इतना बड़ा झटका? झटका तो हमें लगना चाहिए था, हम तो किसी और को मिलने आए, हमें क्या पता? मैं तो गलती से आ गई यहाँ, मैं चलती हूँ, बाय। आप लोग बैठिए यहाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कोने में बैठ जाओ। मैं कहा ना, चुपचाप बैठ जाओ। तो कहा था कि घर पहुंच चुके हो, पर ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? हाँ, मैं पहुंच गई हूं, साथ में बाराती भी है। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, इतनी भारी कैसे हो गई? कितनी बार मना किया कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। अरे तुम्हें खांसी भी है? खांसी है। पर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? वो ना, मुझे शर्म आ रही है। अब तुम्हारी आवाज भी ठीक हो गई, तुम भी ना बहुत वो हो। पर हो कहाँ यार तुम? धोखा दिया, हमने सोचा उन दोनों प्रेमियों को दुनिया से हटा देते हैं। जब मुझे पता चला कि अशोक ने मुझे धोखा दिया है, मेरा खून खौल उठा। समझा भी तो सकते थे उन्हें, जान से ही मार दिया तुमने। मैंने बुलाया था अशोक को मिलने के लिए, मगर वो कहने लगा कि वो रजनी को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने मार दिया उसे। फिर तुमने रजनी को बुला दिया अशोक के दूसरे फ्लैट, वहां उसका खून कर दिया है ना? हाँ। और सिमरन, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों को? उसने देख लिया था हमें रजनी को मारते हुए, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। वाह रे वाह, जिस बेवफाई की वजह से तुम दोनों ने अपने पति पत्नी का खून किया, उसी नाजायज प्यार में आज तुम दोनों टुपकियां लगा रहे हो। तीन तीन खून किए तुम लोगों ने, लेकिन फांसी एक बार ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।